कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर समर वेकेशन। तो हमने पहले के दो वीडियो में एसपी एंड एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आज हम करेंगे एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। सो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन मीन्स एस का एक ऑर्बिटल यूज हो रहा है और पी के तीन ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, यानी टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? फोर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, फोर ऑर्बिटल्स के यूज होने का मतलब टोटल हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को मिलाकर टोटल कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? फोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। थ्री एग्जांपल्स आज हम करेंगे इसके थ्री हाइब्रिडाइजेशन में, मीथेन, अमोनिया एंड वॉटर का थ्री एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप इसमें देखें कि बॉन्ड पेयर कितना है? फोर, और लोन पेयर कितना है? जीरो, यानी फोर प्लस जीरो। कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? फोर। फोर ऑर्बिटल्स यूज होने का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां देखिए NS3 के केस में अगर हम देखें, तो अब यहां पे टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितना है? 1। टोटल यहां भी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं 4, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां भी क्या होगा? sp3। ठीक है बच्चों, बट आप यहां देखिए, यहां बॉन्ड पेयर 4 है, जबकि यहां पे बॉन्ड पेयर 3 हो गए और लोन पेयर 1 हो गया। यहां पे लोन पेयर क्या था? 0 था। ठीक है, अगर आप वाटर के केस में देखें तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से। यहां अगर आप देखें तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2, और लोन पेयर भी कितना हो गया? 1, 2, दो लोन पेयर भी हो गए। तो टोटल यहां भी कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? 4, और 4 का मतलब यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। यू कैन सी ये तीनों ही जो केस है हमारे पास CH4 यानी मीथेन, अमोनिया और वाटर, इन तीनों में ही हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट डिफरेंसेस क्या है? इस केस में, मीथेन के केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, जबकि अमोनिया के केस में आप देखेंगे तो एक लोन पेयर है, और वाटर के केस में कितने लोन पेयर्स हैं? 2 लोन पेयर्स हैं। अब लोन पेयर्स के होने से हाइब्रिडाइजेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन उतना ही रह गया sp3। क्यों? क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स ऑलरेडी यूज होंगे। कौन कौन से? sk1 और pk3 ऑर्बिटल्स यूज होंगे, यानी ऑर्बिटल तो वही 4 यूज हो रहे हैं। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेंगे इसकी ज्योमेट्री पे और एंगल पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। यहाँ ज्योमेट्री कैसी है आपकी? टेट्राहेड्रल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 है, बट यहाँ पे इसका नाम क्या है? पिरामिड। दिस इज पिरामिडल एंड वाटर। वाटर यहाँ पे देखिए आप, इसके स्ट्रक्चर का क्या नाम है? बैंड और वी शेप। यू कैन सी कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, बट ज्योमेट्री क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल, एंड दिस इज कॉल्ड बैंड शेप और वी शेप। एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो एंगल है इट इज 109.5 डिग्री, जबकि यहाँ पे ये एंगल क्या है? 107 डिग्री। और अगर हम वाटर के एंगल की बात करें इट इज ओनली 104.5 डिग्री।
सो आप देख सकते हैं कि एंगल भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों? यहां भी आप देखेंगे एंगल रिड्यूस होने का एक और एक ही कारण है क्या, हर्जेंस ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो यहाँ पे 109 से रिड्यूस होके 107 हो गया, लेकिन जब दो लोन पेयर आ गए एंगल बहुत ज्यादा रिड्यूस होके क्या हो गया, 109 से सीधे 104.5 हो गया। तो यहाँ एंगल रिड्यूस होने का मेन कारण क्या है, लोन पेयर रिपल्जन रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूसेस एंगल। यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्जन है जिसके कारण हमारा एंगल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बट इस केस में एक ही लोन पेयर है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। यहाँ पे क्या कर रहा है, एंगल को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसेज एंगल। तो आपने देखा कि किस तरह से हम सिंपली लुईस स्ट्रक्चर से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि अगर लोन पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे, यानी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगा और एंगल भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। थैंक यू।